आपकी केमिस्ट्री को और अच्छा बनाने के लिए फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपके सामने चर्चा करूँगा कि कौन सी बुक आपके लिए परफेक्ट है। देखो, हर बुक का अपना फ्लेवर होता है। कुछ बुक्स कहते हैं ना कि न्यूमेरिकल से ही टाइप के ज़्यादा देना पसंद करती है, कुछ बुक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा देती है, कुछ बुक्स में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, कुछ बुक्स में वेरियस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलती है। तो आपके लिए कौन से सुटेबल है उसके बारे में चर्चा करना है। सबसे पहली बात कि बुक करनी क्यों है। यदि आप किसी भी कोचिंग में IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको बुक करना असेंशियल है। यदि आप क्वेश्चन से फ्लो लाना चाहते हैं, यदि आप फ्लो के साथ सही क्वेश्चन करना चाहते हैं, देखो आप जिस भी कोचिंग में, वहाँ बहुत प्यारी थ्योरी पढ़ाई जाती है, वहाँ पर बहुत अच्छा मटेरियल दिया जाता है, लेकिन इस लेवल तक बच्चा एक फ्लो नहीं ला पाता क्वेश्चन में जो उसको चाहिए, जो उसके लिए डिमांडेड है। तो उस फ्लो को बनाने के लिए, उस फ्लो को लाने के लिए आपको कुछ बुक्स करनी ही चाहिए। और ये मैंने इससे पिछले एक वीडियो पे चर्चा की भी है, और उस वीडियो को ज़रूर देखें। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है, यदि अपनी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत गजब तोड़ू बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़, जो बच्चा नया है, जिनके लिए वीडियो नया है, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपन चर्चा कंटिन्यू करते हैं। केमिस्ट्री में तीन हिस्से हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इन तीनों हिस्सों में देखो, एक वीडियो यदि केवल तीनों पे यदि चर्चा करें तो काफ़ी लंबा चला जाएगा वीडियो। मैं केवल चर्चा करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बाद इनऑर्गेनिक और इसके बाद में ऑर्गेनिक। तो इसमें कौन सी बुक अपने लिए सुटेबल रहेगी, किस तरह से रहेगी, और मैक्सिमम बुक्स जो मैं आपके सामने चर्चा करूंगा वो मैंने सॉल्व कर रखी, उसी आधार पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बुक्स मेरे पास ही पड़ी है अभी, है ना। वो मैं मतलब सारी बुक्स मेरे पास पड़ी है, उन्हीं से लेके मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चा यदि अपनी बहुत अच्छा करना चाहता है, फिजिकल केमिस्ट्री को अपने न्यूमेरिकल्स को फ्लो में लाना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोचिंग के नोट्स अच्छे से तैयार करें। हर नोट्स का फॉर्मूला, हर एक बात आपको नोट्स के अच्छे से पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको जो भी कोचिंग में आप पढ़ते हो वहाँ पर DPB सिस्टम मिलता होगा, मॉड्यूल मिलता होगा, उसको बहुत ही प्यार से डील करें, उसके सारे डाउट्स क्लियर करें। यहाँ तक आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन हमें चाहिए अच्छा फ्लो, ताकि यदि अपन नीट में तो 180 का 180 ला पाएँ केमिस्ट्री में, और यदि अपन IIT में हैं तो एटलीस्ट 50% के आसपास तो आए ही आए, क्योंकि एक टाइम था जब हम पढ़ते थे जिसके 30% 35% आते थे तो टॉपर होता था क्लास का, और उसके IIT में 2000 के अंदर रैंक आया करती थी एडवांस के अंदर। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो चुका है ना, जो 720 में 720 आने लग गए नीट में, और 360 में से 348 आने लग गए IIT एडवांस के अंदर। तो आप देख सकते हो ये रिजल्ट में जो आपके सामने रख रहा हूँ, ये 2021 IIT नीट का जो हाईएस्ट वाला जो रिजल्ट है वो रख रहा हूँ। इससे आपको पता चल गया कि भाई साहब जो जो तैयारी है जनता बहुत फास्ट कर रही है, दुनिया का फ्लो बहुत गजब का है, वो फ्लो अपने अंदर नहीं हुआ तो अपने को दिक्कत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोचिंग का मटेरियल कर लें तो एक बार NCERT के जो टेक्स्ट क्वेश्चन है जो पीछे वाले, उनको जरूर करें, क्योंकि उनमें बहुत सारी वैरायटी, अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें कैलकुलेशन बड़ी गंदी बनती है, कंसेप्ट सारे अच्छे लग ही रहे हैं, कैलकुलेशन अच्छी लग रही है, और बीच में जो एग्जाम्पल्स है वो भी अच्छे से डील करें। और मेरे हिसाब से उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक आप चैप्टर के करोगे ना सारे न्यूमेरिकल जो पीछे बुक के दे रखे हैं NCERT वाले, लगभग आधा एक घंटा लगेगा उसमें सारे सॉल्व करके रख लें। इससे आपको ये लगे कि हाँ, मैं 12th की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा ये काम खत्म, कि हाँ 12th का भी अच्छे से हो गया। और दूसरी बात कि NCERT में आपको पता चलेगा कि दुनिया हमें जो पढ़ाया जा रहा है और हमें जो लेवल गेन करना है, यार NCERT की लेवल है तो अपने को और अच्छा लेवल बनाना है IIT एडवांस के लिए या मेन्स के लिए बात करूँ, तो एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि NCERT के पीछे वाले बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप डील कर पाओ। अब बारी है, अपन ने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला, NCERT आपकी अच्छे से होनी ही चाहिए। चलो अब मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ, यदि IIT JEE की बात करूँ तो सबसे परफेक्ट बुक है, शानदार बुक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हर वैरायटी क्वेश्चन है, और ये बुक आपके सामने आ रही है। ये बुक जो मेरे पास है ये फिजिकल केमिस्ट्री की है, नरेंद्र अवस्थी बालाजी पब्लिकेशन की बहुत प्यारी बुक है। आप प्लीज़ इस बुक को सॉल्व करें, और इस बुक में बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, बहुत अच्छी वैरायटीज न्यूमेरिकल डील किए हुए हैं, और हर एक बात जो है बहुत अच्छे से की हुई। आप देखोगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2 के और तोड़ लेवल के क्वेश्चन आप जब देखोगे तो हर क्वेश्चन कम से कम 3-4 लाइन का, 4 लाइन का है, तो देखते हालत खराब होती है, ठीक है। उसको स्टेज 3 में जब तुम जाओगे तो पैराग्राफ वगैरह मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, मैट्रिक्स मैच वगैरह है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन यदि आप डील करोगे तो। यदि आपके परफेक्टली कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे वो क्वेश्चन होंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखें, आप पीछे सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा काम के नहीं होते हैं, आप अपने लॉजिक से काम करते रहे, अपने टीचर से पूछे किस तरह से मेरे को डील करना है। ओके डियर, नेक्स्ट
ये था नरेंद्र अवस्थी, आपको एटलीस्ट नरेंद्र अवस्थी करनी ही चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में यदि आप IIT की तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं आता हूँ एक ऐसी बुक के बारे में चर्चा करता हूँ जिस बुक की खास बात यह है कि उस बुक में ऑलमोस्ट सारा मटेरियल जो है, जो सब फिजिकल की बुक्स जो पहले पुरानी चला करती थी उन सब मटेरियल को एक साथ रखा गया है, और वो बुक है सिंगेज की, जिसमें KS वर्मा जी राइटर हैं। बहुत प्यारी बुक है ये, तो आप प्लीज़ इस बुक को सॉल्व करें। बहुत ये थोड़ी मेली सी बुक हो रखी है, क्योंकि इसको एक्चुअली बुक को मैं काम में लेता हूँ, इसको पढ़ता हूँ, मैं खुद भी बच्चों के इससे क्वेश्चन देता हूँ काफ़ी सारे। तो बहुत प्यारी बुक है, आप इस बुक को भी सॉल्व करें यदि एक्स्ट्रा टाइम है तो। यदि एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इस बुक पे भी जाएं। इसके दो पार्ट है, पार्ट वन जो 11th के लिए है, पार्ट टू जो 12th के लिए है। उसके बारे में चर्चा करता हूँ कि ऐसी बुक के बारे में जो भाई साहब मेरे को तो फिजिकल केमिस्ट्री सिखाने में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत गजब का रोल है। आज भी वो है डॉक्टर पी बहादुर। तो ये बुक बहुत शानदार होती है फिजिकल केमिस्ट्री का। मेरे पास पूरी पी बहादुर बुक का कलेक्शन है, मतलब पी बहादुर की बहुत सारे एडिशन आ चुके हैं अब तक। उन सारी बुक्स का मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, और यही पर मतलब मेरा पर्पज़ यही था कि कहीं ना कहीं वो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने इनसे सीखी है, बहुत अच्छे से सीखी है, और वो आपको भी बहुत अच्छे से सिखाएंगे अपने क्वेश्चंस की हेल्प से। देखो अभी तक जो अपन ने बुक्स देखी है, जैसे सिंगेज की बात करूँ, सिंगेज में थ्योरी मिल जाएगी, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं अच्छे से थ्योरी पढ़ लो, सॉल्व एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। और इस सिंगेज बुक में जो सिंगेज KS वर्मा की जो बुक है, इसमें ऑलमोस्ट सारी बुक्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉमनली। बहुत अजीब सा कुछ नया नहीं है, एडवांस के अकॉर्डिंग है, इसमें सारी वैरायटी क्वेश्चन है, आप देखोगे मल्टीपल चॉइस वगैरह सब बहुत अच्छे से हैं। तो ये बुक आप सोल्व करोगे। हाँ, अब नरेंद्र अवस्थी और सिंगेज की और में रखो, मतलब दोनों को साथ मत लो। नरेंद्र अवस्थी के लिए सिंगेज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, और सिंगेज करो तो नरेंद्र अवस्थी। हाँ, नरेंद्र अवस्थी मैं इसलिए प्रेफर करूँगा कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। इन्होंने एक्चुअली क्या है कि इसमें जो सिंगेज वाले जो केस वर्मा, इसमें थ्योरी भी दी गई है, तो इसलिए थोड़ा इस बुक में क्या है कि बच्चे को थ्योरी में और थ्योरी दे दी तो क्वेश्चन थे दे नहीं पाए उस बुक में, क्योंकि ये दोनों ही भर भर के दे दी जाए तो बुक काफ़ी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से ये अच्छी है। अब लास्ट जो मैं बता रहा हूँ फिजिकल की, पी बहादुर जान से मैंने केमिस्ट्री सीखी है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी की है, ताबड़तोड़ हालांकि कोशिश कर रहा हूँ मैं भी बहुत अच्छी करने की। मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक आती है ये है GRB, है ना, GRB बुक्स की है, GR बांटला। तो बहुत अच्छी बुक है ये, इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, हमारे पास तो जो स्पेसिमेन जो दे रहते हैं, और बहुत सारे शानदार इसके क्वेश्चन क्वालिटी है। बस क्वेश्चन क्वालिटी में एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बच्चों इसमें कैलकुलेशन गंदी है, इसमें कैलकुलेशन गंदी है, इस कैलकुलेशन से बच्चा परेशान होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कैलकुलेशन और केमिस्ट्री, यदि आपको कैलकुलेशन आती है केमिस्ट्री नहीं आती तब भी आपके -1 है, और यदि आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी लेकिन कैलकुलेशन नहीं आती फिर भी आप -1 पे ही हो। तो आपको दोनों परफेक्टली आनी चाहिए, कैलकुलेशन और केमिस्ट्री दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपका फिजिकल केमिस्ट्री में सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अब मैं बात करता हूँ एक बहुत परफेक्ट बुक की, हैप्पी बहादुर की, लेकिन वो हमारे टाइम से चल रही है। यदि आपके पास हिम्मत है, गट्स है, तुम करना चाहते हो कि यार भाई मैं टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ, मैं इस बुक को सोल्व कर ही दूंगा मैं, फिर इतनी हिम्मत है तो मैं आपको एक बुक बताता हूँ पी बहादुर की, जो हमारे टाइम एडिशन आता था, काफ़ी अच्छी बुक है और बड़ी बुक है, ठीक है, बड़ी प्यारी बुक है, अच्छी बुक है, बड़ी बुक है। हाँ, तो इस बुक को मैं बहुत प्यार से सोल्व करता हूँ और इसमें से क्वेश्चंस नोट्स भी करवाता हूँ IIT वाले बच्चों को। बहुत गजब की बुक है, न्यूमेरिकल्स बहुत शानदार है, सॉल्व भी है, और सॉल्व क्वेश्चन आप देखोगे जो पहले प्रीवियस IIT के बहुत सारे क्वेश्चन है, रुड़की जब अलग थी IIT से तब के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे, इतने सारी मतलब हैवी लेवल के क्वेश्चन है आप करोगे तो आपका परफेक्ट कॉन्फिडेंस आ गया, एक फ्लो भी बनेगा, कुछ क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे हैं, थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसका मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, और इसमें मेनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा है, मेनली आप देखोगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। एटलीस्ट हर चैप्टर में सॉल्व क्वेश्चन जो है, एग्जांपल्स जो है, सॉल्व प्रॉब्लम आप देखोगे एटलीस्ट हर चैप्टर में 150 किसी में 200 तक भी, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छा चैप्टर है उसमें 200 तक सॉल्व एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो जो अच्छे मतलब बढ़िया टॉपिक है उनके बहुत वैरायटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और एक ही वैरायटी पे हर तरह के क्वेश्चन बने हुए, या एक ही फॉर्मूले पे जो पॉसिबल वैरायटी थी उसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बने हुए, जैसे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इसके जो भी मतलब 25-30 क्वेश्चन है वो आप सारे कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ इसका कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए पक्का मेरे से तो होगा, क्योंकि वो भी फ्लो में, वो भी फास्ट, वो भी सही है। तो आप सबसे पहले मैंने बताया आपको NCERT करना है, और उसके बाद मैंने बताया नरेंद्र अवस्थी बताया, तो
एनसीईआरटी कंपलसरी है, नरेंद्र अस्थी कर सकते हो या फिर पी बहादुर कर सकते हो या फिर सिंगेज वाली, ये तीनों और में है, तीनों को एक साथ कभी मत लेके बैठना। आपको लगता है मेरे पास ये अवेलेबल है तो आप लेके बैठो। यदि तीनों के फ्लेवर की बात करूँ, नरेंद्र अवस्थी में कुछ कैलकुलेशन मतलब हार्ड नहीं सिंपल है, पी बहादुर में क्या है कि क्वेश्चन जो है वो मतलब कैलकुलेशन भी गंदी, कंसेप्ट भी गंदे हैं, आप कहीं डीमोरलाइज ना हो जाओ, लेकिन एक हिम्मत एग्जाम में तो करना ही करना है, मैं तो करूंगा ही करूंगा, तो आप लेके बैठो, कोई दिक्कत नहीं अपने को, तो आप उसी बुक को ही लेके बैठो, ठीक है डियर। और रही बात सिंगेज गाली, सिंगेज में आप ये कर सकते हो, जैसे आपको लगता है यार मेरे को पी बहादुर का फ्लेवर चाहिए, मेरे को नरेंद्र अवस्थी का फ्लेवर चाहिए, वो सिंगेज में एक साथ दे रखा है। इसमें ऑलमोस्ट सारी बुक्स जो है सिंगेज में कवर कर रखी है, जितने भी क्वेश्चन है ना वो ऑलमोस्ट अच्छी बुक से ही लिए हुए हैं, ठीक है। और लास्ट में जब भी आप किसी टॉपिक को क्लियर करें ना, एट द एंड आप जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन वाली जो बुक होती है वो प्लीज़ आप हर हालत में सॉल्व करें। इसका पर्पज़ क्या है, क्यों अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं, बेसिकली जब अपन इस बुक को सॉल्व करते हैं तो अपने को आइडिया लगता है कि एग्जाम वाला अपने से क्या डिमांड करता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में किस तरह से अपने को क्वेश्चंस की डीलिंग करनी है, किस तरह के फ्लेवर पहले थे आप किस तरह से क्वेश्चन, क्योंकि एक एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं क्योंकि उसी पैटर्न में होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो प्लीज़ आप प्रीवियस, जैसे मेरे पास 21 ईयर ओल्ड क्वेश्चन है बालाजी पब्लिकेशन की, हालांकि ये बुक तो फ्री में आई थी, इस पर लिखा भी होगा ये रहा फ्री विद फिजिकल केमिस्ट्री, अभी मैंने नया एडिशन लिया है, इसमें 20 तक के क्वेश्चन आ, लेकिन मेरे पास पुराना एडिशन भी पड़ा है, पर नया एडिशन इसलिए लिया है कि इसमें ये बुक फ्री आ रही थी, बच्चों ने देखा, बच्चों के पास थी, मैंने देखा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने ले ली, ठीक है। हालांकि ये बुक्स पैसे कुछ लगे हैं, कुछ नई भी लेके आया हूँ मैं, और कुछ नई एडिशन की पुरानी भी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो अब ये बात तो थी आईआईटी वालों की, अब बात करता हूँ नीट वालों के लिए। तो नीट वालों के लिए सबसे पहली बात तो वही है कि वो एनसीईआरटी करें करें, उनको पता चले एटलीस्ट क्या लेवल 12th का डिमांड, क्या 11th का फिजिकल चाहता है आपसे, तो टेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से बीच में आप हर हालत में वो सोल्व करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में देखा है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के अपनी पहली दूसरी डीपीपी में उन्हीं क्वेश्चन को देते हैं, तो बहुत बड़ी डील है अपने आप में, तो प्लीज़ एनसीईआरटी करें ही करें। उसके बाद में आता हूँ मैं, जैसे सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में भी, जो नरेंद्र अवस्थी है, जो बालाजी पब्लिकेशन की है, ये नरेंद्र अवस्थी नीट के लिए भी अलग से अवेलेबल होती है, ये नीट के लिए भी अलग से आती है, और इसमें जो क्वेश्चंस की जो वैरायटी, आप देखो आगे वाले क्वेश्चन तो लगभग सेम है, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी हैं आईआईटी वाली बुक से, लेवल टू पे जाओगे तो, और इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं जो एआर टाइप के दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर में नीट वाले दे रखे हैं, ये कुछ चीज़ अलग है, लेवल फर्स्ट में ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, नीट वाली में आइडिया आप चेक कर लेना भाई, मैंने तो सोल्व करवाई है, बच्चों को करवाता हूँ हर साल, तो मुझे तो आइडिया है कि किस तरह क्वेश्चन कितने डिफरेंट हैं, तो पहले वाले स्टेज में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम है, कोई एक आधा क्वेश्चन अलग हो जाए तो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद लेवल टू में थोड़ा डिफरेंट, उसका हार्ड हो जाता है, काफ़ी अच्छा खासा लेवल हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा ठीक ठाक है। तो नरेंद्र अवस्थी करनी, एनसीईआरटी हुई नरेंद्र अवस्थी, या फिर एक बुक है देखो पी बहादुर, तो फिर इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि इसमें भी नीट के लिए अलग से पी बहादुर आती है, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप ओपी टंडन बुक जरूर करें, मतलब इसमें भी ठीक है, मतलब मैंने क्वेश्चन देखे हैं बहुत ज़्यादा लेवल के नहीं, लेकिन इसमें आप बच्चों को हेल्प मिल जाती है, थ्योरी मिल जाती है सिंपल लैंग्वेज में, बच्चा वहाँ से डील कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन की वेराइटी बहुत ज़्यादा नहीं है जितनी नरेंद्र अवस्थी में है, क्वेश्चन नॉर्मल है उसमें, और एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके, लेकिन मैं इससे ज़्यादा प्रेफर करूँगा आप नरेंद्र अवस्थी ही करें, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं कि टाइप पे, जैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन मोल में बात कर लूँ तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कम से कम 1.5 पेज भरा हो क्वेश्चंस पे, 1.5-2 पेज सिर्फ परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ही क्वेश्चन है, आप देखो कितना कुछ डाला हुआ है इसमें, मतलब स्टैक्योमेट्री पे तो बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन है, स्टैक्योमेट्री पे दे रखे हैं, केवल प्योर मोल के जो बेसिक 0 लेवल के सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में है 37 के आसपास है क्वेश्चन, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तुम जीरो से उठा रखे हैं क्वेश्चन, फिर स्टेप अप करते 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 हर एक चर्चा कर रखी है, हर एक अच्छे से डील कर रखी है, तो आप उसको जरूर पढ़े। तो मैं नीट वालों को एकदम सार में बता देता हूँ, आपको पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके अलावा या फिर नरेंद्र अवस्थी करें या फिर ओपी टंडन करें, पर मैं प्रीफर करूँगा नरेंद्र अवस्थी ही करें। और उसके अलावा एक और जो मेरे पास, जैसे ये क्वेश्चन ये जेई वाले हैं प्रीवियस ईयर की नीट वाले, तो हर हालत में करें ही करें, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली बुक भी आप नीट वाले अच्छे से रखें, उसको भी बहुत अच्छे से आपको करना है, बहुत प्यार से डील करना है, और जितने भी पेपर हैं वो भी आप एक क्वेश्चन का मटेरियल मान के उनको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चला होगा कि कौन सी बुक आपसे हो जाएगी, किस बुक में क्या फ्लेवर है, कौन सी बुक आपके लिए परफेक्ट है, और कौन सा चैनल जो है ना केमिकॉन, नाम चेंज कर दिया नवीन जोशी सर का, मैं धीरे धीरे केमिकॉन, अच्छा एक अलग नेम है, यूनिक नेम है,
यूट्यूब पे इस पर कोई चैनल नहीं है, मुझे अच्छा लगा ही नेम, लोगो वगैरह सब चेंज किया है। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फिजिकल केमिस्ट्री और बूस्टअप होगा और तैयार होगा, शानदार होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस तरह का अपन नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए चर्चा करेंगे और ऑर्गेनिक के लिए भी चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।